वी हैव एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ मार्केटिंग। हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खो रही हैं। कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं टू फिगर आउट न्यू वेज टू सेल अस प्रोडक्ट्स। आज का वीडियो एक ऐसी ही टेक्निक के बारे में है। बट बिफोर वी टेक अ डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट शार्क टैंक। इन ईयर 2022 हम सब ने शार्क टैंक बिंज वॉच किया है। इट वॉज अ शो विच गेन मैसिव पॉपुलैरिटी एंड हैड अ फिनोमिनल पैनल ऑफ जजेस। उन्हीं जजेस में से एक जज ने थ्रू आउट द सीजन अपनी कंपनी की काफी सटल वे में मार्केटिंग करी है। दैट जज वॉज नन अदर देन लेंसकार्ट के फाउंडर मिस्टर पीयूष बंसल। आपने नोटिस किया होगा कि पीयूष बंसल ने हर एपिसोड में चश्मा जरूर पहना है। एंड व्हेन यू गो ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लेंसकार्ट, यू विल फाइंड अ सेपरेट सेक्शन जहां पे आप पीयूष बंसल के हर एक एक शार्क टैंक लुक को स्पेसिफिकली शॉप कर सकते हो। नाउ बिकॉज शार्क टैंक इतना ज्यादा पॉपुलर शो बन गया, उसके जजेस सेलिब्रिटीज से कम नहीं रहे। एज अ रिजल्ट उनके सारे के सारे शार्क टैंक लुक्स बेस्ट सेलर बन गए। इसी के साथ साथ थ्रू आउट द सीजन पीयूष बंसल ने अपनी कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंसाइट्स शेयर करे, जैसे कि कैसे उन्होंने अपना पहला कैपिटल रेज किया, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करे, कैसे लेंसकार्ट इज सच अ बिग कंपनी नाउ। नाउ व्हेन यू पुट टुगेदर ऑल दीज पीसेस, यू विल रियलाइज कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर मार्केटिंग टेक्निक को कहा जाता है द सबकॉन्शियस मार्केटिंग टेक्निक। ये एक ऐसी पावरफुल मार्केटिंग टेक्निक है जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% परचेसिंग डिसीजंस लेता है, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ 5% डिसीजंस लेता है। इसलिए आज ब्रांड्स के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वो आपको एक डीपर सबकॉन्शियस लेवल पर इम्पैक्ट करे। आपका कॉन्शियस माइंड एक सेकेंड में 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, वहीं पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सेकेंड में 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। दैट इटसेल्फ इज इनफ टू टेल यू हाउ पावरफुल योर सबकॉन्शियस माइंड इज। इसलिए आज कंपनीज लाखों रुपए खर्च कर रही है, अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा रही हैं टू फिगर आउट कि वो अपने प्रोडक्ट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे फिट कर सकते हैं। बिकॉज जिस कंपनी के पास आपकी सबकॉन्शियस माइंड की चाबी आ गई, वो आपको कुछ भी बेच सकता है। इसी टेक्निक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट प्लेसमेंट? अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई मूवी या टीवी शो देख रहे हो और अचानक से रैंडमली एक प्रोडक्ट अपीयर होता है, या तो एक्टर के पास या तो बैकग्राउंड में किसी सीन में। इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोडक्ट को किसी मूवी या टीवी शो में इम्प्लांट करना ताकि उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिले। फॉर एग्जाम्पल, पूमा इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, नाइकी इन बैक टू द फ्यूचर एंड कोको कोला इन स्टारबक्स इन जुरासिक वर्ल्ड। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कंपनीज आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दे अपीयर इन अ पर्टिकुलर सीन। ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट इतने सटल वे में की जाती है कि शायद कोई इतना ज़्यादा नोटिस भी ना करे कि ये मूवी का पार्ट थी। तो फिर कंपनीज क्यों इतना ज़्यादा स्पेंड करना चाहती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स में? द आंसर लाइज अगेन इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड एक विजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए 30 से 50 मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है। अगर वही इंफॉर्मेशन आपको सटल विजुअल क्यूज के फॉर्म में दिखाई जाए, जैसे कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट, तो इसका प्रोसेस करने का स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एक और बढ़िया एग्जाम्पल सबकॉन्शियस मार्केटिंग का है Amazon का लोगो। अगर आप Amazon के लोगो को देखोगे तो एक एरो पॉइंट आउट करता है विच पॉइंट्स फ्रॉम ए टू जेड, विच इम्प्लाइज कि Amazon एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको ए टू जेड सारा सामान मिल जाएगा। जो एरो है वो एक स्माइल की तरह दिखता है, विच मिरर्स अ पॉजिटिव इमोशन, जो अगेन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक डीपर लेवल पे इम्पैक्ट करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज ब्रांड स्लोगन। ब्रांड स्लोगन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू कंपनी अपना विजन और फिलॉसफी आपको कन्वे करती है। जैसे कि नाइकी का ब्रांड स्लोगन, जस्ट डू इट। इस स्लोगन को सुनते ही आपके दिमाग में सक्सेस, हार्डवर्क, मोटिवेशन, ऐसे पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं। यही रीज़न है कि ये स्लोगन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वहीं पर आता है एडिडास का स्लोगन, इम्पॉसिबल इज नथिंग। हालांकि ये स्लोगन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन
इसके जो दो कीवर्ड्स हैं इम्पॉसिबल और नथिंग, दोनों के दोनों नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करते हैं। यही रीज़न है कि एडिडास का स्लोगन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना नाइकी का स्लोगन हुआ। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि कंपनीज अपने ब्रांड स्लोगन को केयरफुली क्यूरेट करें, बिकॉज अल्टीमेटली यही स्लोगन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि लोग आपके ब्रांड के साथ किस तरीके का इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज ऑल ऑफ दिस रेलेवेंट फॉर US कंज्यूमर्स? सो ओवर द ईयर्स इस पर्टिकुलर टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, बिकॉज ये मैनिपुलेट करती है कंज्यूमर्स को, जिससे वो एक अनबायस डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसके साथ साथ कंज्यूमर्स आर ओवरबर्डन विद प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स एंड दे मे एंड अप बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट इवन रिक्वायर। देयरफॉर इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ताकि आप ऐसी टेक्निक से ब्रेन वॉश ना हो पाओ। यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड मैनिपुलेशन। आप जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगे उतना ही रैशनल डिसीजन ले पाओगे कि आपको अपना हार्ड एंड मनी कहाँ पे स्पेंड करना है।